नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। हेमंत सोरेन ने जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर के भीतर ही झारखंड की कमान अपने हाथ में ले ली है, लेकिन इसके लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो भी ठीक झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले। सिर्फ 5 महीने के बाद चंपई सोरेन को पद से हटा देना सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने से हेमंत सोरेन को किसी तरह के नुकसान की आशंका हो रही थी। अब यह भी समझना है कि क्या हेमंत सोरेन के इस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सत्ता में वापसी संभव हो पाएगी। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ रफ्तार मीडिया के स्टेट हेड अरविंद कुमार जुड़े हैं और हमारे संवाददाता शरद चंद्र पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शरद का रुख करेंगे। शरद, झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, ग्राउंड लेवल पर यह सियासी उलटफेर कितनी बड़ी बात है? शरद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अरविंद जी, आपके पास आएंगे। देखिए, 7 जुलाई को शपथ ग्रहण होना था, लेकिन कल अचानक से ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उससे पहले जो है मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस जल्दबाजी का आखिर कारण क्या है, और क्या ये मान ले कि जो कार्यशैली चंपई सोरेन के देखी जा रही थी, उनकी लोकप्रियता देखी जा रही थी, इसी कारण से एक तरफ से इनसिक्योरिटी, असुरक्षा जो है हेमंत सोरेन को महसूस होने लगी थी? निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्र बिंदु सोरेन परिवार ही है, और हेमंत सोरेन के जेल जाने के पहले जब इस्तीफा दिए थे तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनकी पत्नी मुख्यमंत्री की कमान संभाले, लेकिन अपरिहार्य कारणों से तब आनन फानन में चंपई सोरेन को झारखंड की कमान दी गई, मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद भी चंपई सोरेन हमेशा ये कहते रहे कि वे हेमंत सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब जमानत पर हेमंत सोरेन छूटकर जेल से बाहर आए तो पुनः जो सत्ताधारी दल के जो विधायक है, विधायक मंडल की बैठक हुई और उसने एक बार पुनः हेमंत सोरेन को नेता चुन लिया गया और चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री थे वे जाके इस्तीफा सौंपे और दूसरे ही दिन हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया। तो इसके पीछे तमाम अटकलें लगाई जा रही है। जो बातें छन आ रही थी कि चंपई सोरेन सिर्फ मुखौटा है और जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान होंगे। हालांकि अगर वे अभी जमानत पर नहीं भी छूटते तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की, उसको भी बल दिया जा रहा था। और यही कारण है कि गांडे उपचुनाव लड़कर जब चुनाव जीती थी कल्पना सोरेन, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो हो सकता है कि सर्वसम्मति से कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। लेकिन जब अचानक से यू टर्न हुआ और हाईकोर्ट से जब जमानत मिला है हेमंत सोरेन को, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आप मुख्यमंत्री कौन होंगे, हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन। तो तमाम अटकलों और कयासों को दरकिनार कर एक बार पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ले ली है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के बातें की जा रही है, चाहे तो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मात्र 4 या 5 महीने रह गए हैं। ऐसे में चंपई सोरेन को दरकिनार करना या उसके पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से पदच्युत करना, ये तमाम चीजों को लेकर भाजपा काफी हमलावर है। हालांकि पार्टी अंदर खाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोगों को कई लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आ रहा था तो 4 महीने तक इंतजार कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं बता दूं कि विधानसभा का चुनाव हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा या कहीं इंडिया गठबंधन को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ना था, और यही कारण है कि आनंद फानन में चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलाकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया। जी जी बिल्कुल। जेएमएम देखिए शुरू से कह रही थी कि षड्यंत्र के तहत जो है हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, और अब हेमंत सोरेन खुद भी कह रहे हैं कि सारी साजिशों को काटकर विजय उनकी हुई है। अब तो सीएम भी बन गए हैं, वो दोबारा से उन्होंने सत्ता हासिल कर लिया है, कमान संभाल लिया है राज्य की। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर अब बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद जी, तो क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन के दोबारा से मुख्यमंत्री पद में इस शपथ लेने से बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं? देखिए, चंपई सोरेन ने जो काम किए इतने कम समय में, मात्र 5 महीने में, निश्चित तौर पर चंपई सोरेन ने भी अपनी पहचान बनाई, अपनी छाप छोड़ी थी। अब जो विपक्ष के लोग हैं, जो भाजपा हो या अन्य दल के लोग हो, उन्हें चुनाव लड़नी है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन
इन बातों को लेकर आ रहा है कि इसकी साजिश के तहत फंसाकर उन्हें जेल में रखा गया था। अब इस मामले को कितना भुना पाने में सफल होंगे। हालांकि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटाना भी भाजपा इसे मुद्दा बना रही है और अभी से ही हमलावर दिख रही है। तब देखना होगा कि राजनीतिक पैतरेबाजी कहां तक चलती है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के आने के बाद ना सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि इंडिया गठबंधन को भी काफी मजबूती मिली है और अब भाजपा को जो अपना अपनी रणनीति है उसे चेंज करते हुए केंद्रित करना होगा किस तरह से ना सिर्फ हेमंत सोरेन से बल्कि इंडिया गठबंधन से आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला करती है। जी चलिए शरद आपके पास आएंगे। शरद पहले कैमरा ऑन कर लीजिएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरविंद जी आप ही के पास आएंगे। देखिए अब हेमंत सोरेन ने 2019 में जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें दो जगहों से उन्हें भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी, दुमका और बरहेट। इस बार जो जिस तरह के सियासी उलटफेर देखने को मिले हैं, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में झामुमो का ये जो फैसला है, जो फिर से फैसला लिया गया कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, इस बार के विधानसभा में सत्ता में वापसी हो पाएगी जेएमएम की? देखिए सत्ता में वापसी की बात की जाए तो पिछली बार जब चुनाव लड़ा गया था तो आजसू और भाजपा अलग अलग लड़ा था चुनाव, इससे खामियाजा दोनों दलों को भुगतना पड़ा था। अब इस बार अगर आजसू और भाजपा एक साथ मिलती है तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके गठबंधन के जो साथी हैं उनके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार है सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि झारखंड में जदयू ने भी दावेदारी की है एनडीए के तहत। अब देखना यह होगा कि सीटों के बंटवारे के बाद कौन से सीटों पर कितने सीटों पर कौन लड़ता है। लेकिन इतना बात कहा जा सकता है कि अगर आजसू और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दल के लिए चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक बात और, जेपीकेएस जो जयराम महतो की पार्टी है वो भी ताल ठोककर 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जेपीकेएस के जो प्रत्याशी है उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया है उससे कम तर आंकड़ा दोनों दलों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर अब देखना यह होगा कि कौन से दलों को कौन सा सीट मिलता है, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या रणनीति बनती है। लेकिन इतना बात है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस हो आरजेडी हो उन लोगों को भरोसा है कि एक बार फिर अगर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन झारखंड में चुनाव लड़ती है तो सत्ता पुनः हासिल कर सकती है। हालांकि बाबूलाल मरांडी, भाजपा के बाबूलाल मरांडी हो या आजसू के उदय महतो, इन लोगों ने भी रणनीति तैयार की है किस तरह से इस बार पटकनी देते हुए सत्ता पर वापसी करनी है, सत्ता को पाना है। और इसे लेकर दोनों दलों में लगातार मंथन का दौर भी जारी है, बैठकें हो रही है। और ये मतदान को झारखंड का मुद्दा कितना हावी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये भाजपा के जो प्रभारी है, सपा प्रभारी है, उनकी नियुक्ति से पता चलता है। आप सोच सकते हैं भाजपा झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कितना गंभीर है कि वे शिवराज सिंह चौहान को यहाँ के प्रभारी बना रहे हैं। तो ऐसा फायर ब्रांड नेता हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है उन्हें प्रभारी बनाया गया है और इन दोनों ने डेरा डाले हुए हैं झारखंड में, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या आज स्तर पर पूरी तरह से ये जो कार्यकर्ताओं को कमीनी स्तर पर तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो रणनीति जिनका अच्छा होगा, जिनका रणनीति बेहतर होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, निश्चित तौर पर उनका पल्ला भारी होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कहा जा सकता है कि इस बार भी मुकाबला कांटे को देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने अरविंद जी की मुकाबला जो है कांटे का तो दिखेगा ही लोकसभा चुनाव के तर्ज पर विधानसभा चुनाव में ही। और जैसा कि आपने कहा कि भरोसा है एक तरफ से कांग्रेस को भी झामुमो को भी, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है सिर्फ जेएमएम के ही नहीं पूरे इंडिया अलायंस के एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं झारखंड में, जिस कारण से उन्हें दोबारा से सत्ता में काबिज किया गया है। लेकिन नहीं लगता कि इस बार जेएमएम के लिए चुनौती दो तरफा होगी, क्योंकि चंपई सोरेन जो टाइगर माने जाते हैं कोल्हान के, भले वो कह रहे हो कि पार्टी आगे है और पार्टी के कारण उन्होंने आसन छोड़ दिया, समर्थकों में कहीं ना कहीं तो नाराजगी होगी ही। और कोल्हान में जब हेमंत सोरेन जाएंगे तो एक सवाल उनके सामने खड़ा होगा उनके समर्थकों के द्वारा कि आखिर 5 महीने में ही क्या ऐसी गलती कर दी थी या क्या कार्यशैली में कमी आ गई थी जो चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाना पड़ा।
निश्चित रूप से ये इस बात को लेकर ना सिर्फ कहा जा सकता है कि विपक्ष के जो भाजपा है वो हमलावर है बल्कि पार्टी के अंदर से भी इस बात को लेकर है, लेकिन पूरी तरह चीज तो है लेकिन दर्द बयां करने वाले अभी तक कोई नहीं है। और निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसके बाद जो धुआं है वो उठना शुरू हो जाएगा। चंपई सोरेन अच्छा काम करे थे, किसी तरह कोई आरोप नहीं था और इसके बावजूद मुख्यमंत्री का पद उनको छोड़ना पड़ा। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो भाजपा हमलावर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब सोरेन परिवार यानी कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का परिवार है और उसके बाहर किसी को सत्ता में आने का हक नहीं है। तो ये जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है निश्चित तौर पर इसका खामियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के नेताओं को उठाना पड़ सकता है। अब चंपई सोरेन का रोल क्या होगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब ये मुख्यमंत्री रहने के बाद मंत्री तो बनेंगे नहीं जैसे जैसा क्या सर जा रहे हैं, तो क्या एक मामूली विधायक बनकर वे पार्टी को सीखने का काम करेंगे? ये तमाम चीजों को देखना होगा, क्या पार्टी में उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, ये तमाम चीजें होंगी। क्योंकि जो बातें की जा रही है कि मुख्यमंत्री के पास मंत्री का कुर्सी तो नहीं ले सकते कम से कम, तो अब सारा दारोमदार रणनीति पर है कि क्या रणनीति होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, इंडिया अलायंस का, तो उसी पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर कोल्हान के लोगों में कोल्हान क्यों चंपई सोरेन 5 महीने के कार्यकाल में सभी के दिलों में बस गए थे, झारखंड के कोने कोने में उनका नाम चला गया था। किस तरह उनका विवाह पर जो योजनाएं ला रहे थे, अभी हाल ही में जो उनका नशा मुक्त झारखंड का जो सपना देखा गया था उसको लेकर काफी सराहना हुई थी मुख्यमंत्री की कि एक तो आदिवासी समाज से आते हैं, इसके बावजूद हिम्मत किए थे कि झारखंड को नशा मुक्त बनाना है, इसको लेकर काफी तारीफें हो रही थी। हालांकि ये योजना अभी लागू ही होने वाला था, शुरुआत ही हुई थी कि उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी मुख्यमंत्री की। अब देखना होगा कि उनके सपने को हेमंत सोरेन कैसे आगे बढ़ा पाते। जिस तरह से चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री की शपथ किए थे उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन के अधूरे कार्यों को, हेमंत सोरेन के सपनों को वो आगे साकार करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। अब हेमंत सोरेन ने जिन कामों को, जिन योजनाओं को, चाहे वो पेंशन की बात हो, 25 साल से 49 साल की महिलाओं को पेंशन देने की बात हो या अन्य जो घोषणाएं हैं उसे कितना अमलीजामा पहना पाते हैं। अगर चंपई सोरेन घोषणाओं को अमलीजामा पहना देते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनकी सरकार, तो निश्चित तौर पर काफी हद तक लोग इस दर्द को भूल जाएंगे। लेकिन उनकी जो घोषणाएं हैं, पेंशन की घोषणा की गई है, अगर वो अमलीजामा नहीं पहनाता है तो निश्चित तौर पर सर खामियाजा झारखंड मुक्ति के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पूरे इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, काफी कठिन होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबको एक साथ बांधे रखना और विधानसभा चुनाव में मैदान मारना। लेकिन यहीं पर आपने मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात कही, तो अभी हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया है, अब इसके बाद सबकी निगाहें जो है मंत्रिमंडल विस्तार पर ही टिकी है। कई ऐसे नाम है जो सामने आ रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्री पद के लिए, चाहे इरफान अंसारी की बात कहे, दीपिका पांडे की बात कहे, और ऐसे भी पिछले मंत्रिमंडल से एक सीट तो ऑलरेडी खाली थी। अगर मंत्री आलमगीर आलम की बात की जाए तो उनका पद जो है खाली था, तो कई ऐसे नाम जो है सामने आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कई नाराजगी भी जो है इंडी गठबंधन के भीतर देखने को मिली। इस बार क्या लग रहा है कि जो नाम सामने आ रहे हैं क्या उन्हीं पर दाव खेला जाएगा या फिर जो पहले से है उन्हीं को रिपीट किया जाएगा? क्या नाराजगी की स्थिति जो है फिर से देखने को मिल सकती है? देखिए, हेमंत सोरेन को खतरा लेना नहीं चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद जो मंत्री है, जो संभावना है, कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री है उन्हें रिपीट किया जा सकता है। कांग्रेस के कोटे से आलमगीर आलम के जगह किसी मंत्री बनाया जाएगा? हेमंत सोरेन के सरकार में जब विस्तार की बात हुई थी और जब यूपीए गठबंधन की जब बैठक, इंडिया गठबंधन की जब बैठक होनी चाहिए होनी थी, तो कयास लगाया जा रहा था कि किस तरह से अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी का मंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन अभी जो बातें चल रही है, छन चाह रही है, उसमें हेमंत सोरेन की पसंद प्रदीप यादव है। हो सकता है कि अब ये दोनों में खींचातानी हो, तो अब ये देखना हो कि प्रदीप यादव या इरफान अंसारी, क्योंकि इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से दावा पेश कर रहे हैं तो प्रदीप यादव भी तद्दावार नेता है कांग्रेस के, तो उनकी भी दावेदारी मजबूत दिख रही है। अब देखना होगा कि इसीलिए मंत्रियों को शपथ दिलाने से पहले मुख्यमंत्री अकेले शपथ लिए हैं कि किसी मंत्री जब वो पटल पर अपना बहुमत हासिल कर लेंगे वहां पर उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ताकि कोई भी नाराजगी जो है वो कम से कम पटल पर दिखने को नहीं मिले। तब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से
सात तारीख को कहा गया है कि वे अपना बहुमत हासिल करेंगे सदन में, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो निश्चित तौर पर सभी को अभी आश्वासन दिया गया होगा कि आप धैर्य बनाए रखिए, हो सकता है कि आपका भी नाम हो। तो सबसे पहला काम है मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ग्रहण किए हैं हेमंत सोरेन, आप वे सदन में किस तरह से अपना बहुमत साबित करते हैं और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ज्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा रही है और एक दो मंत्री इधर उधर हो सकते हैं। अब जैसे चंपई सोरेन भी मंत्री थे तो वो तो अब मंत्री बनेंगे नहीं, तो उनके जगह पर किनको बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन आए हैं, अब उनके पसंदीदा कौन लोग हैं, क्या नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव है, इसको देखकर और लोगों को मंत्री पर बनाया जा सकता है। ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन जो बात ये सारी तो राजनीति की बात होगी, रणनीति की बात हो गई है। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, अगर झारखंड राज्य की बात कर ली जाए, राज्य की जनता की बात कर ली जाए, तो इतने कम अंतराल में मुख्यमंत्री के चेहरों को बदलना राज्य के लिए, जनता के लिए कितना सही है? क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, जनता में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना बड़ा सियासी उलटफेर जो है इसको माना जा सकता है? देखिए, जहां तक आम जनता की बात है, आम जनता खामोश है अभी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कैडर की बात की जाए तो हेमंत सोरेन सम्मान नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ये कयास ये तभी साबित हो गया था जब वे जेल से निकल रहे थे और जिस तरह से हुजूम उमड़ा था उनके स्वागत में, जिस तरह से पटाखे छोड़े गए, जहां जगह जगह मिठाइयां बांटी गई, तो कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मान नेता हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव के एंड पहले चंपई सोरेन को पद छोड़ना पड़ा और पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा या तो चुनाव के समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना बात तो है कि भाजपा हमलावर है और सोरेन परिवार को निशाने पर ले रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कोई दूसरा दल का नेता सिर्फ पद पर नहीं आसीन हो सकता है, वे सिर्फ सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए है, सत्ता के शिखर में पहुंचने नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, अब देखना होगा ये तमाम जो उलट फेर हुए हैं उसका आम जनता के मानस पटल पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से झारखंड में राजनीति ने करवट ली है, निश्चित तौर पर इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अरविंद जी, और जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो सियासी उलटफेर झारखंड में हो चुका है, राज्य में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार राज्य की कमान फिर से संभाल ली है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, देखते रहे रफ्तार मीडिया, नमस्कार।